नमस्कार, फटाडोस टीवी में आपका स्वागत है। कॉर्क इंडिया की ओर से मैं हूं हितेश। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि थोड़े वक्त इंतजार के बाद हम लोग PFIX का इंडियन पैक रिलीज करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन डेटा का जो कार्ड आएगा, कार्ड का नंबर है IN16। ऐसा ये कार्ड आपको डीलर से लेना है, या अगर आपने कीबोर्ड ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है तो डीलर आपको कुरियर से भेजेगा, या हमारे स्टोर से लिया तो हमारे स्टोर वाले आपको भेजेंगे, या हमारे ऑनलाइन से लिया हुआ तो हमारे ऑनलाइन टीम वाले आपको भेजेंगे। तो ये कार्ड IN16 आपको कुरियर में या डीलर के पास में या स्टोर से मिल जाएगा। इस कार्ड को अपने को कीबोर्ड के पीछे यहां पर ये ब्लैक कलर का कंपार्टमेंट है, इसको स्क्रू लगा हुआ है, इस पे खोलना है। आपको शायद क्लियर ही नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर नीचे दो बाजू पर कार्ड के स्लॉट है। तो अपना जो इंडियन डेटा का कार्ड है उसको हमको ये नीचे के स्लॉट में डालना है। चेक करने के लिए वो क्लिक करके बैठता है। एक बार मैं निकलता हूं और वापस में तो टक करके क्लिक जैसा आवाज आएगा आपको, तो ये पूरा हो जाएगा कि ये कार्ड आपका फिट है। कार्ड डालते समय आपको एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि ये पावर कोड जो है कीबोर्ड का, वो कीबोर्ड से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर पावर कोड कनेक्टेड है और कीबोर्ड ऑफ भी है तो हो सकता है कि आपको इस जगह पे शॉक लग सकता है। इसके लिए आपको शॉक ना लगे इसकी वजह से पावर कोड जो है उसे निकाल के रखना है। अभी मैं ये पावर कोड कीबोर्ड के पावर कोड सप्लाई में डाल रहा हूं। कीबोर्ड को पावर ऑन करने के पहले आपको जो इंडियन डेटा पैक की फाइल मिलेगी, या वन ड्राइव से लिंक मिल सकती है या गूगल ड्राइव से लिंक मिल सकती है, वो फाइल को डाउनलोड करके आपको ये पेन ड्राइव पे कॉपी करना है। पेन ड्राइव जो है वो कीबोर्ड के ऊपर जो USB का स्लॉट है उसके अंदर से डालना है। अभी भी जो है कीबोर्ड पावर ऑफ है, तो इंट्रो वन बटन दबा के आपको ये पावर ऑन करना है। देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन पे सिस्टम अपडेट करके एक मैसेज आएगा, उसका आपको फॉलो करना है। क्या लिखा है? प्लीज सिलेक्ट PKG फाइल टू बी इंस्टॉल्ड। उसमें लिखा है KBD Set 1, तो यहां पर KBD Set 1 मतलब कीबोर्ड सेट 1 का जो बटन, उसका आप प्रेस कीजिए। अभी जो आपने करना है, यहां पर कॉक डिस्क है मतलब इंटरनल हार्ड डिस्क है, अपनी फाइल जो है वो पेन ड्राइव के ऊपर है, उसको सिलेक्ट करने के लिए जो टेम्पो जो बटन है उसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ USB 3 मतलब मेरा जो पेन ड्राइव है वो आ गया। मेरे काफी सारे फाइल है इसके ऊपर, लेकिन अपने को जो फाइल सिलेक्ट करना है वो फाइल है Z105A_add-on_IN60_5.PKG। ये फाइल सिलेक्ट करके अपने को ये कीबोर्ड सेट 4 4 नंबर का बटन दबाना है। मैंने सिलेक्ट किया, आप चाहो तो उसे स्क्रीन पर भी सिलेक्ट कर सको टच करके, बटन दबाने की जरूरत नहीं। जैसे ये अपने को मैसेज आएगा अपडेट, तो मैं अपडेट यहां पर पुश कर रहा हूं। ये खास ध्यान में रखना है कि ये चल रहा हो उस वक्त पावर ऑफ नहीं होना चाहिए, और आपको शांति से बैठे रहना है जब तक एक दूसरा मैसेज आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। करीबन 30 से 40 सेकंड लेगा, और ये प्रोसेस जो है सिर्फ एक बार उसे लोड करना है। देखिए, ये एक मैसेज आया है, सिस्टम अपडेट कंप्लीटेड, प्लीज टर्न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, मतलब पावर ऑफ करना है। और 10 सेकंड के बाद आपको पावर फिर से ऑन करना है।
फिर से ये 30 से 40 सेकंड लेगा, क्योंकि वो पूरा सिस्टम जो है रीसेट होगा, इंडियन डाटा जो है उसके अंदर जुड़ जाएंगे और कंपनी के डाटा जो है वो एज इट इज रहेंगे। अभी इंडियन डेटा जो है अपना लोड हो चुका है कीबोर्ड के अंदर। अभी कैसे देखना है उससे, कहां पर है इंडियन डेटा, तो अगर आपने को स्टाइल देखनी है तो कोई भी स्टाइल के नाम पे टच कीजिए। देखिए यहां पर फैक्ट्री और यूजर आपके पहले कीबोर्ड में आपके ऐसे ही था। अभी एक लोकल करके नया बैंक बनाओ, हम जैसे लोकल को पुश करेंगे तो देखिए IN1, 2, 3, 4, 5 या 5 इंडियन सारे बैंक है और ये उसके पेजेस है। जैसे यहां पर जैसे IN1 है उसमें सिर्फ एक पेज के ऊपर 10 स्टाइल है, IN2 में जाएंगे देखिए नंबर ऑफ पेजेस, यहां पर आपको लाइट दिख जाएगा ये सारे के सारे है। तो ये स्टाइल हो गया, जो भी स्टाइल सिलेक्ट करना है आपको, हम सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पर उसका नाम आ जाएगा, देखिए आ गया। साउंड, तो ये कीबोर्ड सेट लाइब्रेरी है, यहां टच कर दिए, देखिए यहां पर भी एक लोकल बैंक बना हुआ है। अब हम लोकल पुश करेंगे तो ये अपने इंडियन साउंड आ जाएंगे, हम देखेंगे सब नाम दिए हुए, ऐसा IN1, 2, IN3 ऐसे तीन बैंक्स में सब डिवाइडेड है। इसके अलावा अपने को मल्टीपेड जो है वो भी हमने काफी सारे इंडियन बना के रखे हुए, तो आप मेन्यू पुश करेंगे, ये मेन्यू का बटन है यहां पर, उसे पुश करेंगे तो देखिए पैड्स आ गए, मैंने पैड को टच किया और मुझे चेंज करना है यहां पर, यहां मैंने उसका टच किया, इसमें देखिए लोकल बैंक आ गया। ये सब सारे इंडियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है ये सब सारे के सारे जो इंडियन मल्टीपेड हमने अपने हिसाब से बना के दिए हुए। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, जो PA4S में भी था, PA700 में भी है, PA1000 में है और PA5X में भी है, कि जो कीबोर्ड के ऊपर सैम्पलिंग मेमोरी दी गई है वो इंडियन डेटा के साथ में शेयर नहीं करती। मतलब जो भी सैम्पलिंग मेमोरी अवेलेबल है, जो 16 बिट्स के ऊपर PA5X में 2GB की सैम्पलिंग मेमोरी आपके पास में है, वो आपको एज इट इज रहती है और इंडियन डेटा जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम मेमोरी में से बच रहा है। तो ये था PA5X में इंडियन पैक कैसे लोड करना उसका प्रोसेस। ये चीज आपको एक मेल आएगा, उसमें ये वीडियो का लिंक लगेगा जो आपको फिर से रिफर करना है, घड़ी घड़ी रिफर करना है, जब तक आपका पैक प्रॉपरली लोड ना हो तब तक तब उसके शांति से दे सकते हैं। उसके अलावा इंडियन फाइल पैक की लिंक आएगी, जो उसको आपको वन ड्राइव लिंक या गूगल ड्राइव लिंक से डाउनलोड करना है और पेन ड्राइव पे कॉपी करना है, पेन ड्राइव आपका रहेगा, हम सिर्फ कार प्रोवाइड करेंगे IN60। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, मैंने पहले बताई थी, फिर से बता रहा हूं कि जहां पर वो कार्ड डालना है पीछे, वहां ऊपर नीचे कार्ड के दो स्पॉट है और दो स्पॉट के बीच में मेमोरी बैकअप बैटरी है, तो अपने को जो IN16 कार्ड है वो नीचे के स्पॉट में डालना है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। बहुत ही आसान था प्रोसेस है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप डॉक्यूमेंट रिफर कर सकते हो, PDF में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि सबको कैसे लोड करना है, YouTube वीडियो है। उसके अलावा भी अगर कुछ तकलीफ हुआ आपको तो आप हमको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम जल्द से जल्द उसको सुलझाएं। तो मैं आशा करता हूं कि इंडियन पैक जो है बड़े इंतजार के बाद में आया है, लेकिन आपको वो ऐसे काम में आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। नमस्कार।